बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, अब पढ़ाई कर ली जाए, बहुत हुआ आराम। हेलो एवरीवन, हेलो एवरी स्टूडेंट, आप सभी को मालूम है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, इवन पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है, जिसकी वजह से स्कूल्स भी बंद हैं। आपकी अपनी सुरक्षा के लिए, सभी की सुरक्षा के लिए सारी चीज़ें बंद करी हुई हैं, स्कूल्स भी बंद हैं, कॉलेजेस भी बंद हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपके क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, स्टूडेंट टीचर्स से मिल नहीं पा रहे हैं, कोई किसी से नहीं मिल पा रहा है, बट इंटरनेट है हमारे पास, तो क्यों ना कुछ पढ़ाई कर ली जाए। जो वीडियो आप बनने जा रहे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ, वो उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जिन्होंने जस्ट क्लास 11 पास किया है और क्लास 12 में जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री की कुछ चैप्टर्स मैं सोच रही हूँ कि आप इस लॉकडाउन के तहत तैयार कर लें, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। करें ओके, सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन। एज यू ऑल नो, मैटर के बेसिक 3 टाइप्स हैं। आप जानते हैं मैटर क्या चीज़ है, एवरीवन नोस व्हाट इज मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड परसीव बाय आवर सेंसेस। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब हर वो चीज़ जो जगह घेर रही है, हैविंग मास का मतलब हर वो चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन है, जिसका कुछ ना कुछ भार है, एंड परसीव बाय आवर सेंसेस का मतलब जिनको हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं उनको, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका टेस्ट, उनको टेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैटर के अंदर आती हैं। मैटर आपने 3 तरह के पढ़े हैं, जो बेसिक मैटर के टाइप्स हैं वो हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इस चैप्टर में हमें इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है सॉलिड के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या, इंट्रोडक्शन क्या है, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है, राइट? ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं फिजिकली कि ये कोई सॉलिड है। तो सबसे पहला आता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम का मतलब है कोई भी सॉलिड होगा तो उसका कोई ना कोई, जो भी शेप होगा उसका, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर है, ट्राइंगल है, तो उसका जो शेप होता है वो डेफिनेट होगा। वो किसी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से या घटाने की वजह से आप कहेंगे कि वो चेंज हो जाएगा, तो उसका जो शेप है वो वही रहेगा। आइस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई बुक है, कोई कॉपी है, तो ऐसा नहीं कि गर्मी में उसका शेप कुछ और हो जाता है, सर्दियों में शेप कुछ और हो जाता है, वो वही रहता है। टेबल है, चेयर है, बेड है, एवरीथिंग अराउंड यू जो कि सॉलिड है, जिसका शेप डेफिनेट है, जिसका वॉल्यूम डेफिनेट है। वॉल्यूम का मतलब वो कितनी जगह घेर रहा है, वो उतनी ही जगह घेरेगा जितना वो पहले घेर रहा था, जितना वो बाद में घेर रहा था। तो हर वो चीज़ जिसका डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है उसको हम सॉलिड कहते हैं। सेकेंड आता है हाई डेंसिटी। वो सारी चीज़ें जिनकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी, डेंस, डेंस का मतलब घना, डेंसिटी का मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से सॉलिड बना होता है, कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस बना होता है तो वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल से ही बना होता है, तो हर एक की डेंसिटी होती है। जैसे सॉलिड्स की डेंसिटी जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू लिक्विड बहुत ज़्यादा होती है, और लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू गैसेस ज़्यादा होती है। आपने छोटे पे ये डायग्राम बनाया होगा, ऐसे बॉक्स बना के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपने पास पास किया होगा, मतलब जब मॉलिक्यूल पास पास हैं तो उनकी डेंसिटी कैसी हो गई? हाई हो गई। लिक्विड्स में आपने क्या देखा था? लिक्विड्स में आपने देखा था कि मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, मतलब इसके कंपेयर में, सॉलिड के कंपेयर में इनकी डेंसिटी कुछ कम होती है, मतलब घनापन नहीं होता है उनमें। गैसेस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, राइट? तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। थर्ड इज लो कंप्रेसिबिलिटी।
लो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना। जो सॉलिड्स होते हैं उनको दबाने पर वो ना के बराबर दबते हैं, ना के बराबर दबते हैं यानी कि उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, जो उनको दबने या दबाने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इनकी डेंसिटी हाई होती है, जो अभी आपने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा। जिनकी डेंसिटी हाई, मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, तो आप उनको दबाने पर उनके मॉलिक्यूल कहीं एडजस्ट नहीं हो सकते। लेकिन लिक्विड्स में क्या है, जब आप उनको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो मॉलिक्यूल के पास खाली स्पेस है जहाँ पर वो जाकर के दब जाएंगे और वो कंप्रेस हो जाएंगे। लाइकवाइज इन गैसेस, गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। जब आप उनको कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के पास प्रॉपर स्पेस है कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लेंगे। बट सॉलिड्स में वो कंडीशन नहीं है, इसलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनका जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। डिफ्यूजन इनका कैसा होता है? स्लो, या ये कहिए कि वेरी स्लो, बहुत ही स्लो डिफ्यूजन इनका होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर्स। किसी भी दो चीज़ों की इंटरमिक्सिंग को हम कहते हैं डिफ्यूजन। सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका डिफ्यूजन नहीं होता है, ना के बराबर होता है या बहुत ही धीमा धीमा होता है। अगर दो सॉलिड टुकड़ों को, लकड़ी के दो टुकड़ों को आप अगल बगल रख देंगे तो उनका डिफ्यूजन ना के बराबर होगा। पर अगर हम लिक्विड की बात करें, आप पानी में नील डालें अगर, तो वो बहुत जल्दी घुल जाती है उसमें। आप अगर नील डालने के बाद उसको हाथ से घोलें ना, या किसी चीज़ से मिक्स ना करें, तो आप उस जो नील की बूंदें हैं उनको पानी में घुलते हुए देख सकते हैं। उस चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। सॉलिड्स के केस में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है। नेक्स्ट आता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज़ का पिघलना। मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का होता है वो हाई होता है। हम इनको जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो कोई भी सॉलिड जब मेल्ट होता है, पिघलता है, तो वो सॉलिड से लिक्विड की कंडीशन में जाता है। उस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और सॉलिड्स के केसेस में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। तो इन जनरली क्या है, अ सॉलिड इज दस डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ मैटर इन विच द आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड सो स्ट्रॉन्गली दैट दे कैन नॉट ईजली मूव पास्ट ईच अदर। दैट इज अ फॉर्म विच हैज़ रिजिडिटी एंड पजेसेस अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सॉलिड। थैंक यू।